तो हम दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाली बस में बैठ चुके थे और ये बस हमें ऋषिकेश से 10 किलोमीटर पहले उतार देती है। तो ऋषिकेश जाने के लिए हम इन ऑटो वाले भैया से बात करते हैं जो कि 600 रुपए में हमें ऋषिकेश तक ले जाएंगे और थोड़ी ही देर में हम ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम गोविंद घाट जाने वाली बस की जानकारी लेते हैं जो कि थोड़ी ही देर में जाने वाली थी। तो फिर हम जल्दी से बस में विराजमान होते हैं और अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं। जब मैं बस में बैठा था मैं बहुत एक्साइटेड था, पर मेरी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि 12 घंटे का सफर है और नींद आना स्वाभाविक है। और थोड़ी ही देर में हमारी बस पहला स्टॉप लेती है और यहाँ पे नजारा कुछ ऐसा दिख रहा था और नजारे देखते देखते हमें भूख लगाती है। तो फिर हम इन पहाड़ी पराठों का आनंद उठाते हैं और खाने पीने के बाद अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद और ये क्या विराट भाई, शायद गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए हो। बात तो सही है। तो फिर हम ये सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए गोविंद घाट पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि आज हमें गोविंद घाट में ही रुकना है क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ से आगे जाना सख्त मना है। अब हम गोविंद घाट में ही एक होटल लेते हैं और यहाँ से आगे क्या होता है वो मैं कल बताऊंगा।